तो ये जो इस्कॉन संस्था है, ये इस संसार को, इस देश को कुछ और नहीं देने के लिए आई। सामने कौन बैठे हैं, कौन है ये जिनको इन्होंने लगाया? कृष्ण। कृष्ण को देने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम को छोड़कर, जिस आप वृंदावन के लिए भागते हो, उस वृंदावन धाम को छोड़कर प्रभुपाद जी आप सब लोगों के जीवन में कृष्ण को देने के लिए प्रभुपाद वृंदावन से अमेरिका चले गए। और अमेरिका में जाके क्या किया? कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई खाने के लिए जगह नहीं है, कोई सोने के लिए जगह नहीं है। हम तो पहले जाने से पहले पूछते हैं, रहने को एसी रूम है या नहीं, खाने को कहां पर मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी इस्कॉन को बनाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्यों? उनको भगवान पर पूरा विश्वास था। हम तो भारतीय लोगों को भक्त नहीं बना पाते, शिला प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों को विदेश से उठाकर इस्कॉन वृंदावन मंदिर में लाकर, एक दिन के लिए नहीं, आप तो एक दिन के लिए जाते हो। अरे भाई, अभी मैंने एक पूछा, वो कहते अभी कल तो हो गया है, आज फिर तुम वृंदावन जाने की बात कर रहे हो। एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए विदेशियों को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन वृंदावन में ला दिया। आपको मिलना हो तो हमारे साथ चलिएगा, मिलवाएंगे आपको। क्योंकि क्यों कर दिया? क्योंकि भक्ति एक दिन का विषय नहीं है, एक महीने का विषय नहीं है, एक साल में एक दिन कीर्तन करने का विषय नहीं, भक्ति हर क्षण का विषय है। जैसे हम प्रेम हर क्षण चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहे अब आज खा लिया, अब दो दिन बाद सोचेंगे, नहीं। वैसे ही अगर हम जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें शनिवार को नहीं, संडे को नहीं मंदिर जाना, संडे को ही कीर्तन नहीं करना। सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान अर्जुन को कहते हैं निरंतर मेरे नामों का कीर्तन करो अर्जुन। इससे क्या होगा? फिर से तुम इस भौतिक संसार में, तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो लोग जाना चाहते हैं वही भगवान का नाम ले पाते हैं, जो लोग जाना नहीं चाहते वो फिर नाम में रुचि उत्पन्न नहीं करते, वो कीर्तन में बैठ कर भी बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन की इच्छा ही नहीं है भगवान से प्रेम करने के लिए। क्योंकि जहाँ हम प्रेम करना चाहते हैं वहाँ हम सेवा की भावना रखते हैं। जब हमारा कृष्ण से हम प्रेम करना चाहेंगे तो फिर क्यों नहीं हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान बहुत दयालु है, आपसे ज्यादा दयालु है कृष्ण। आपको नहीं पता क्योंकि आप कृष्ण को भूल गए हो। प्रभुपाद जी से लोग कहते थे क्यों हमारे जीवन में दुख आ रहा है, प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि तुमने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं। जैसे ही तुम कृष्ण का हाथ अपने हाथ में दोबारा पकड़ लोगे, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो कृष्ण का हाथ पकड़ना, आपको असली में हाथ नहीं पकड़ना, ये भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र। कलयुग में भगवान स्वयं है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। सतयुग में भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में आए, द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण आए, कलयुग में भी भगवान आ चुके हैं। लोगों को पता नहीं है कौन है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्या लेकर आए हैं? ये हरि नाम संकीर्तन, गोलो केरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन लेकर आए हैं ताकि सब लोग, मैं आपको बता रहा था कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। हम कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहते लेकिन भगवान हमसे